आसमान पर चमकता चांद हमेशा से ही इंसानों की तवज्जो का मरकज रहा है। बहुत से लोग इसके रोशन नज़ारे की वजह से इसकी खूबसूरती की मिसालें देते भी नज़र आते हैं। साइंसी एतबार से चांद को एक सैयारा करार दिया जाता है जिसका ज़मीन से फासला तकरीबन 3,86,000 किलोमीटर है। यही चांद जब ज़मीन से कुछ करीब आ जाए तो इसे सुपर मून कहा जाता है। यूं तो यह नज़ारा कई माह बाद देखने को मिलता है, लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां चांद हमारी ज़मीन से सबसे ज़्यादा करीब है और यह नज़ारा सारा साल देखा जा सकता है। दुनिया में एक पहाड़ ऐसा भी है जहां न सिर्फ चांद का ये नज़ारा सारा साल देखने को मिलता है बल्कि यहां फिज़िक्स के चंद उसूल भी तब्दील हो जाते हैं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि शायद हम दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं जो नेपाल में मौजूद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर आखिर वो कौन सी जगह है, वहाँ फिज़िक्स के उसूल कैसे बदल जाते हैं और हम वहाँ जाकर चांद से इतने करीब कैसे हो सकते हैं? डेली बिट्स की एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, आइए आज आपको दुनिया के दिलचस्प तरीन ममालिक में से एक की तरफ लिए चलते हैं जिसका नाम है एक्वाडोर। ये मुल्क जनूबी अमरीका में वाक़ है जिसके शमाल में कोलंबिया, मशरक़ और जनूब में पेरू और मगरब में बहरुल काहल वाक़ है। यहाँ एडवेंचर के शौकीन और फितरत से मोहब्बत करने वाले लोगों का हुजूम रहता है। फिजिक्स के बारे में जो कुछ हमने आपसे कहा वो शायद आपको मुबालगा आराई महसूस होती हो, लेकिन दरहकीकत ये है कि एक्वाडोर में ख़ास तौर पर एक ऐसे मकाम को तलाश किया गया है जहां दुनिया का कोई भी शख्स जाकर ये तजर्बा कर सकता है। यहां एक जर्द रंग की लकीर खींच दी गई है जिस पर सयाह सीधा चलने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ही कदम दूर जाकर गिर जाते हैं। आमतौर पर जब हम वॉश बेसन या सिंक में ज्यादा पानी डाल देते हैं तो वो दाएं या बाएं घूमता हुआ नीचे जाता है, लेकिन इस मकाम पर लगे सिंक में पानी दाएं या बाएं घूमते हुए किसी किस्म का भंवर बनाए बगैर सीधा नीचे चला जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस जगह अगर आप दोपहर के 12 बजे खड़े हो जाएं तो आपका साया बिल्कुल गायब हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ धूप में आपको वक्त देखने के लिए घड़ी की भी जरूरत नहीं रहती क्योंकि सिर्फ सूरज को देखकर आप दुरुस्त वक्त बता सकते हैं। ये सब कुछ इस पीली लाइन की वजह से है, लेकिन क्यों? क्या इस लाइन के नीचे कोई पुरेसरार जादुई ताकत मौजूद है जो इन तमाम अजीबोगरीब वाकयात की वजह बनती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ खींची गई ये लाइन दरअसल इस बात की निशानदेही करती है कि ज़मीन यहाँ से दो मसावी हिस्सों यानी शिमाल और जनूब में तकसीम हो जाती है, जिसे उर्दू में खत्ते इस्तवा और अंग्रेजी में इक्वेटर कहा जाता है। एक और बात बताते चलें कि इस मुल्क का नाम यानी एक्वाडोर का हस्पानवी में मतलब भी इक्वेटर है। ज़मीन के घूमने की वजह से यहाँ एक मजबूत कुव्वत शिमाल और जनूब की तरफ सफ़र करती है। इसका मतलब है कि इस मकाम पर कशिश सकल यानी ग्रेविटी इंतहाई कमज़ोर है, इसीलिए आप यहाँ चांद से इंतहाई करीब हो जाते हैं। इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर जिसे माउंट चिम्प्राजो कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ बिल्कुल नहीं है, आप दुनिया के दूसरे किसी भी मकाम के मुकाबले में चांद से ज़्यादा करीब हो जाते हैं। एक्वेटर पर ज़मीन की सतह सबसे बुलंद है और यही वजह है कि दुनिया का सबसे बुलंद दारुल हुकूमत भी एक्वाडोर में है जो क्विटो कहलाता है। इतना कुछ जानकर और देखकर बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल भी आता है कि शायद यहाँ की ज़िंदगी में हर वक्त बहुत सी तफरी, आसानी और सुकून होगा,
लेकिन इस कदर बुलंद मकाम पर जिंदगी गुजारना भी आसान नहीं है। यहाँ चूंकि आप न सिर्फ चांद बल्कि सूरज से भी बहुत करीब हो जाते हैं, इसलिए सनबर्न होना यहाँ मामूल की बात है। यूं भी जब आप इतनी बुलंदी पर मौजूद हों तो हवा और ऑक्सीजन दोनों कम हो जाती हैं। यही वजह है कि यहाँ न सिर्फ सांस लेने में मुश्किल पेश आती है बल्कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से गाड़ियाँ भी आहिस्ता चलती हैं और बैटरी भी जल्द ख़त्म हो जाती है। एक्वाडोर में सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि जजीरे भी हैं। साहिल समंदर से जुनूब में तकरीबन 965 किलोमीटर दूर वाक़े इन जजीरों तक हवाई जहाज से पहुंचने के लिए 1 घंटा 50 मिनट और कश्ती के जरिए जाने के लिए 3 दिन दरकार होते हैं। समंदर के बीचों बीच वाक़े गैलापागोस नामी ये जज़ायर दुनिया के सबसे अजीबो गरीब जजीरों में शामिल होते हैं। एक्वाडोर का शुमार दुनिया के ऐसे 17 ममालिक में होता है जहां वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा मौजूद है। जज़ायर गैलापागोस में जानवरों की 9000 से ज्यादा अकसाम पाई जाती हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ, जंगली समंदरी छिपकली जिसे इगुआना कहा जाता है, पेंगुइन और सी लायन जो इंसानों के साथ घूमते फिरते नजर आते हैं। गैलापागोस जज़ायर बहुत मुनफरिद हैं जिन्हें यूनेस्को का सबसे पहला आलमी वर्षा होने का एजाज भी हासिल है। मशहूर माहिर हयातियात चार्ल्स डार्विन ने जंगली हयात पर इन्हीं जज़ायर में तहकीक की और मशहूर नजरिया इर्तका पेश किया था। यहाँ पाए जाने वाले जानवर आपको दुनिया में कहीं और नजर नहीं आएंगे और यहाँ के लोग भी इंतहाई दिलचस्प हैं। मिगुएंचो यहाँ की एक मशहूर शख्सियत है। बचपन से ही मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होने की वजह से मिगुएंचो ने जिंदगी का ज्यादा वक्त मायूसियों में ही गुजारा, लेकिन फिर 52 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने का फैसला किया। उन्होंने शराब पीनी छोड़ दी, पढ़ना लिखना सीख लिया और अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो देने के बाद अपने आबाई इलाके गैलापागोस में बेहतरी लाने का फैसला कर लिया। एक दिन उन्होंने थैला उठाया और पूरे जजीरे के गली कूचों से सिगरेट के बुझे हुए टुकड़े जमा करना शुरू कर दिए। बिलाखिर ऐसे 10 लाख टुकड़े इकट्ठे करने के बाद मिगुएंचो ने उन्हें खूबसूरत आर्ट के नमूनों में बदल दिया। एक और शख्सियत गेल्डा भी हैं जो अंधेरे में रहती हैं। जी हाँ, गैलापागोस जज़ायर में पैदा होने वाली गेल्डा के घर में बिल्कुल अंधेरा होता है, ना बिजली, ना कूड़ा करकट, ना फुजला। तकरीबन 3 साल के अरसे में उन्होंने घर से जो नाकारा चीज़ें निकाल कर सहन में रखी उनका वजन शायद 5 किलोग्राम से भी कम था। गिल्डा पीने के लिए सिर्फ बारिश का पानी इस्तेमाल करती हैं और नमक साहिल समंदर से हासिल करती हैं। ये कुदरत पर इन्हसार करने की यकीनन एक बहुत बड़ी मिसाल है। एक्वाडोर एक इंतहाई हैरान कुन और दिलचस्प मुल्क है। यहाँ के लोगों से लेकर फितरत और साइंस तक सब कुछ इतना मुनफरिद है कि दुनिया में शायद कोई भी शख्स आपको इसकी पूरी तफसील नहीं बता सकेगा। इसलिए अगली बार अगर आप एक्वाडोर में साइंस, जानवरों या फिजिक्स के बारे में जानना चाहें तो ये सब कुछ किताबों में तलाश करने के बजाय खुद एक्वाडोर की सियाहत का इरादा कर लें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे दिलचस्प और हैरानकुन वीडियोस से महजूज होते रहें।